The reason commonly used to determine hardness of water titrimetrically is. So basically, अगर हमें hardness of water पता करनी है, सबसे पहले we know that वो किस वजह से होती है. That is due to the presence of calcium 2 positive or magnesium 2 positive ions, right? So अगर हम ऐसा कोई reagent use करें जो कि इनके साथ सॉल्युबल हो, ठीक है, या कोई कॉम्प्लेक्स बना सके, तो वो इजीली हार्डनेस ऑफ वाटर को डिटरमाइन कर सकता है. सो वी यूज फॉर इट डाइसोडियम सॉल्ट ऑफ PDTA, राइट. वो क्या करता है, PDTA बेसिकली एक सॉल्ट बनाता है, फर्स्ट सोडियम के साथ, देन ये कंप्लीट डाइसोडियम सॉल्ट ऑफ EDTA एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा Ca2 पॉजिटिव एंड Mg2 पॉजिटिव के साथ, दोनों में से मतलब किसी एक के साथ जो भी हमारे वाटर में प्रेजेंट है एंड रिस्पॉन्सिबल है हार्डनेस के लिए. देखो सबसे पहले हम EDTA की एक स्ट्रक्चर लिखते हैं. अगर हम बात करें डायसोडियम सॉल्ट की तो ये कैसे है, सबसे पहले हम EDTA बनाते हैं CH2N CH2COOH, सेम इधर, सिमिलरली लाइक हियर, सिमिलरली हियर, ये हमारा EDTA है. अब अगर हमें डाइसोडियम सॉल्ट की बात कही गई है, इट मींस यहाँ पे हाइड्रोजन को रिप्लेस करके Na आ जाएगा, सोडियम आ जाएगा, राइट. सो अब क्या होगा, जो हमारा ये सॉल्ट है, ठीक है, ये हमारे मेटल आयन कैल्शियम और मैग्नीशियम इसके साथ क्या करेगा, एक सॉल्ट बना लेगा लाइक दिस. कॉम्प्लेक्स, ठीक है, एंड यहां पे जो मेटल आयन के साथ हमारा नेगेटिव पार्ट होगा That will release in the solution. ठीक है, सपोज जिसकी वजह से हमारा जो सोल्यूशन है ये डी नेगेटिव बेसिकली इंडिकेटर की तरह काम करेगा. इनिशियली हमारा जो सोल्यूशन है रेड होगा एंड इस इंडिकेटर के सोल्यूशन में आने की वजह से ब्लू हो जाएगा. सो रेड टू ब्लू अगर हमारा सोल्यूशन होता है, इट मीन्स की हार्डनेस ऑफ वाटर है. सो डाइसोडियम सॉल्ट ऑफ EDTA इन दिस वे इज यूज्ड टू डिटरमाइन हार्डनेस ऑफ वाटर. सो बी इज द करेक्ट आंसर.